गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल बेटा हमने प्रॉब्लम्स की थी बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पे। आज हम करेंगे नेक्स्ट लॉ ऑफ गैस लॉज, दैट इज गे लुसेक लॉ, या इसको आप अमेंटन्स लॉ भी कह सकते हो जो साइंटिस्ट है। और जो ये गे लुसेक लॉ है बेटा, जैसे आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, भी बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। उसी तरह जो गे लुसेक लॉ है, ये है बेटे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। क्या कहेंगे? प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप कहेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप है, इसके अकॉर्डिंग जो गे लुसेक थे बेटे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा भी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो हमारे पास वॉल्यूम है उसका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होएगा, बट जो वॉल्यूम है वो ऑलवेज क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट रहेगी। आप देखते हो एक बर्तन में आप पानी गर्म करते हो, और जब बेटा हम पानी गर्म उसमें करते हैं, बॉयल होता है, तो जो उसका बेस है वहां से छोटे छोटे पार्टिकल ऊपर वाले सरफेस पे आते हैं, और उनकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसके अलावा आप ये कहें भी जो प्रेशर है इन इनफ्लेटेड टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल इज कॉन्स्टेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन। जब हम कंडीशन नॉर्मल रखते हैं, तो जो आपकी साइकिल, स्कूटी, बाइक में बेटा टायर में हवा होती है ना, जो प्रेशर होता है उसका, वो भी क्या है? कॉन्स्टेंट है। हम मीटर से चेक करते हैं भी इसमें इतनी हवा का प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा रखेंगे तो वो जो टायर है बेटा, जो ट्यूब है, वो फट सकती है। इसी प्रकार ऑन ए समर डे, गर्मियों के दिनों में जो हॉट डे होते हैं, जो प्रेशर इन द टायर है वो इंक्रीज होता है कंसिडरेबली, एंड देर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ ब्रस्टिंग ऑफ द टायर। देखो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और जो टायर है उसका फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं इफ द प्रेशर इज नॉट एडजस्टेड प्रॉपरली, अगर हम प्रेशर को एडजस्ट नहीं करेंगे। इसी प्रकार बेटा सर्दियों में, ड्यूरिंग विंटर सीजन, इट इज फाउंड दैट जो प्रेशर है इन द टायर इज कंसिडरेबली डिक्रीज। प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो ये जितने भी चेंजेस हैं, ये ऑल दिस जो चेंज है इन प्रेशर, जैसे कि हमने देखा गर्मियों में बेटा प्रेशर बढ़ जाता है, सर्दियों में प्रेशर कम हो जाता है, तो ये क्या है बेटा? जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसकी वजह से है। तो हम देखें भी जो प्रेशर और टेम्परेचर है उनका आपस में रिलेशनशिप है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या कहोगे? एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, भी जो वॉल्यूम है बेटा वो क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो जो प्रेशर ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ ए गैस, जो हम प्रेशर ले रहे हैं एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, वो बेटा वेरीज डायरेक्टली, वो डायरेक्टली क्या करेगा? वेरीज करेगा किसके? विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें, मैथमेटिकली, तो हम क्या कहेंगे? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, मान लो इक्वेशन नंबर 1 नहीं है। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाएंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? कॉन्स्टेंट इनटू में टेम्परेचर, ठीक है। और ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट होता है बेटा इसके अंदर। तो आप देखोगे भी अब मैं इसको कॉन्स्टेंट को यही रखता हूं, टेम्परेचर को नीचे ले आऊं, ये हो जाएगा पी बाय टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अब आप ये मान के चलिए भी आपके पास, जैसे अभी हमने पढ़ा भी कोई टायर है, उस टायर के अंदर जब गर्मियों में आपने देखा तो आप कहते हैं भी प्रेशर क्या था? P1 था। किस पे? T1 टेम्परेचर पे।
और विंटर में जो प्रेशर है वो चेंज होके पी टू और टेम्परेचर चेंज हो गया क्या हो गया टी टू। तो अपने पास ये एक इक्वेशन बन गई पी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई टी टू। और इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम बेटे करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। कल आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसे करवाई गई थी उसमें बेटे हमने ये वाला जो रूल है वो लगाया था। इसमें आपको जो थ्री टर्म्स हैं वो गिवन होंगी, आपने फोर्थ कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आप इसको रीअरेंज करेंगे और आपको देखोगे भी आपके पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो जो रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर है हम ये डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ भी। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ, अगर हम ग्राफ ड्रा करें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एट कॉन्स्टेंट मोलर वॉल्यूम, तो जो लाइन्स आर ऑब्टेन्ड एंड ईच लाइन ऑफ दिस ग्राफ इज कॉल्ड आइसोकोर, उसको हम क्या कहेंगे आइसोकोर कहेंगे। टेम्परेचर प्रेशर पे ग्राफ की अगर बात की जाए, जैसे हमने बॉयल्स लॉ में भी बनाया था चार्ल्स लॉ में भी बनाया, अब आप क्या कह रहे हैं भी ये क्या है आपका, ये बेटा टेम्परेचर है, ये क्या है प्रेशर है। हम कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो आपके पास देखो ये ग्राफ आएगा इस तरह से, और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रेशर, आप बात करो वॉल्यूम की। तो ये जो कर्व्स होती है हमारे पास, जो लाइन्स होती हैं, इनको बेटे नाम दिया जाता है आइसो कोर। क्या नाम देंगे, आइसो कोर का नाम देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बेटे आ जाती है इस लॉ की इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस आप जब देखते हैं बेटे, एक जो डीओ कैन है, डीओ कैन, ये जो डीओ कैन है बेटा, इसके ऊपर आप देखते हैं भी एक वार्निंग लिखी हुई होती है भी इस डीओ कैन को आपने हीट के पास नहीं लेके जाना, बिकॉज जो बेटा इसके अंदर लिक्विड है उसे कंप्रेस करके डाला हुआ होता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर क्या है ज्यादा होता है, और जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उससे प्रेशर और भी ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले से ही वो कंप्रेस करके उसमें रखी गई है, और टेम्परेचर बढ़ाने से और भी ज्यादा उसमें प्रेशर क्रिएट होगा, जबकि जो उसमें जगह है वॉल्यूम है वो फिक्स है। तो क्या होगा, जो डीओ कैन है वो ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं भी जो प्रेशर है उसके अंदर उतने ही टेम्परेचर पे रखेंगे, और उसके लिए आप उसको कूल एंड ड्राई प्लेस में रखोगे भी वो टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में ना आए, ठीक है। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम है तो प्रेशर भी कम रहेगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है, कोई जरूरी नहीं हमने इसमें लेना है। आपने भी देखा भी टायर का एग्जाम्पल ट्यूब का हमने पढ़ा, टायर ट्यूब में भी आपने देखा गर्मियों में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जिससे प्रेशर भी इंक्रीज होगा, जबकि सर्दियों में आप कह रहे हैं भी टेम्परेचर कम है तो प्रेशर बेटा क्या होगा कम हो जाएगा। तो ये इसकी क्या रहेगी इंपॉर्टेंस रहेगी, इसके बेस पे बेटा न्यूमेरिकल करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। इन चैप्टर वन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेटा आप लोग ये पढ़ चुके हो एवोगैड्रो लॉ के बारे में। और देखिए जो एवोगैड्रो लॉ है उसमें हमने क्या देखा था भी जब हम किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते भी उसमें कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो हम कह देते हैं भी इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयन जो है प्रेजेंट है। तो जो एमिडो एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया, और एमिडो एवोगैड्रो ने बताया भी जब हम दो गैसेस लेते हैं और उन दो गैसेस के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या कह दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जब हम उनको मिक्स करते हैं बेटा, तो उनका जो अमाउंट है वो सेम रहता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम क्या कहेंगे भी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, भी जो इक्वल वॉल्यूम है ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ ट
टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ, क्या करेंगे बेटा, कंटेन करेंगे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटे, एवोगाड्रो लॉ कहते हैं। तो आपने ये पढ़ा था भी हम जो बेटे इसमें गैसियस स्टेट के अंदर जो वैल्यूज है उनको कैलकुलेट करते हैं एसटीपी के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, फॉर एग्जांपल 22.4 लीटर्स जो हमारे पास क्या है ऑफ एवरी गैस एट एसटीपी, एसटीपी मींस 273 केल्विन टेम्परेचर, 760 एमएम प्रेशर हमारे पास जो होगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं बेटे, कंटेन करते हैं, कंटेन्स इक्वल, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंटेन मॉलिक्यूल्स दैट इज 6.022×10³23 जो हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। और इनको आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, एन नोट से, किससे बेटा एन नोट से, ठीक है। तो अगर मैथमेटिकली, मैथमेटिकली बात करें तो हम कहते हैं भी जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि जो गैसेस हैं उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो जो वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, इंक्रीज होंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है। और हम कहते हैं भी जब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा एन है, एंड इट इज आल्सो नोन दैट वी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एन है इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी नो, वी नो आल्सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास है वो भी क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स के, इसके नंबर ऑफ मोल्स के, क्या ये कहते हो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के बराबर होते हैं। इसलिए अपने पास क्या होगा, देखो आप नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। और ये आपको पता ही है, अब देखो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं लिख दूं एन से, एवोगाड्रो नंबर को मैं लिख देता हूं एन नोट से, और नंबर ऑफ मोल्स क्या बेटे आपके एन है, ठीक है। इसलिए अब अपने पास क्या था, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो किसके हो जाएगी एन के, क्योंकि एन नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो वी किसके बराबर आ गया बेटा एन के बराबर आ गया, ठीक है। अपने पास जो ये फॉर्मूला बेटा हमने लिखा हुआ है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, इसमें जो एन है ये आपका क्या है, ये है बेटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और बाद में हमने क्या कहा भी जब ये नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है तो बेटे वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये हमारे पास क्या है, ला आ गया कौन सा, एवोगाड्रो, ठीक है, कौन सा ला आ गया, एवोगाड्रो ला आ गया। इसके अंदर भी अगर आप सोल्व करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे, मान के चलो कोई कॉन्स्टेंट लगेगा, और जो वी बाई एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट के। तो अलग अलग है, जैसे गैसेज होती हैं उनकी वॉल्यूम बेटे अलग अलग होती है, तो उस बेस पे हम इसके अंदर देखेंगे भी क्या कंडीशन उसके ऊपर रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ आपने देखा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एन के, और जो वी है वो किसके बराबर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट इंटू एन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो गैस है बेटे उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो भी जो एन है वो किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वेयर एम इज द मास ऑफ द गैस। तो जो इक्वेशन है हमारे पास वो बेटा इसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, मतलब ये जो रिजल्ट है इसको हम और चेंज कर सकते हैं, कैसे भी आप देखो, और वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू में क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, वेयर एन क्या है, अगर हमने नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो हम क्या लेंगे, मास एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम डैश, ये क्या हो गया गिवन मास
और ये क्या हो गया मोलर मास। तब ये वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन में, इसलिए V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एम इंटू में कैपिटल एम, एम हो जाएगा अपने पास और गुणा में क्या है एन, ठीक है। एन की तो बोली रखी थी बेटे, कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट आप कह देते हो कॉन्स्टेंट। अब हम क्या कहते हैं भी जो अपने पास बेटा रीअरेंज करो, रीअरेंज का मतलब क्या है भी एम ऊपर ले जाओ और एम ऊपर ले गए एम बाई वी इंटू में क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया, बट वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसलिए जो m है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का सिंबल आप लिखते हैं जैसे d लिख दो, तो इस वैल्यू को अब आप यहां पुट करोगे तो m कॉन्स्टेंट इंटू में क्या आ जाएगा d आ जाएगा बेटे अपने पास। तो आपने देखा जो m है वो किसके बराबर आ गया कॉन्स्टेंट इंटू d के, आप इक्वेशन अपनी चेंज हो गई है, ठीक है। तो ऐसे भी आपने ये रिजल्ट जो है इम्प्रूव करना है। इसके बाद बेटे नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आ जाता है वो है कंबाइंड गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन, ये कहा गया, ठीक है। आप लोगों को बेटा ये पता होना चाहिए भी व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। और आइडियल गैस इक्वेशन से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आइडियल गैस, ठीक है। तो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, आप देखो व्हाट इज आइडियल गैस, ठीक है, क्वेश्चन है। तो आंसर क्या रहेगा, ए गैस दैट ओबेज बॉयल्स लॉ, ए गैस दैट ओबेज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, गे लुसेक लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, ए गैस दैट ओबे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस, क्या कहलाएगी आइडियल गैस। मतलब आपने ये याद रखना है भी अगर कोई भी गैस है वो बॉयल्स लॉ को ओबे कर रही है, चार्ल्स लॉ को, एवोगैड्रो या कोई गेल उसे को, दैट विल बी आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। जबकि ये जो कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस है ये हाइपोथेटिकल है, ये बेटे अज्यूम किया गया है, हैं, एंड दैट इट इज अज्यूम दैट, ये माना गया कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन द मोलिकुल्स ऑफ आइडियल गैस। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो आइडियल गैस है, और इसके अंदर हम देखेंगे भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स वो प्रेजेंट नहीं है। जबकि जो रियल गैस होती है एक बेटे जो ओबे करती है इन गैस लॉज को अंडर सर्टेन कंडीशन व्हेन द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ऑलमोस्ट नेगलिजिबल। तो जितनी भी गैसेज होती है वो सभी बेटे रियल गैस मानी जाती है। तो हम इसी को अगर करना चाहें तो अब आइडियल गैस इक्वेशन को या कंबाइंड गैस लॉ के द्वारा हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो इसके टू मेथड है, फर्स्ट मेथड जैसे मैं करवा रहा हूं बेटा अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड में बेटा देखो क्या किया, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा भी जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, इक्वेशन नंबर वन। फिर आप कहोगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इक्वेशन नंबर टू। फिर आप बेटा कहोगे अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, इक्वेशन नंबर तीन। नाउ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन टू एंड थ्री
अब देखो आप देख सकते हो बेटे भी जो वी है वी वी तीनों सेम है और ये इधर वाले इकट्ठे हो जाएंगे, हम इनको इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा जो वी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन टी बाय पी, क्योंकि एन एवोगैड्रो के लिए टी चार्ल्स लॉ के लिए और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्री बॉयल्स लॉ के लिए और वी इज इक्वल टू सॉरी ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे पी वी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वेयर आर इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एंड ऑल्सो नोन एज गैस कॉन्स्टेंट, वेयर आर इज प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट एंड ऑल्सो नोन एज गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, तो जो पी वी है बेटे वो आपका एन आर टी आ गया एंड दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो आज बेटा हम इतना ही करेंगे, जो नेक्स्ट फॉर्म मेथड है वो करेंगे हम टुमारो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।